11 फरवरी को सगाई का शुभ मुहूर्त है और उसके अगले दिन हल्दी और मेहंदी की रस्म होगी और 13 तारीख को संगीत का भव्य आयोजन होगा और 14 फरवरी सायंकाल गोधूली बेला में विवाह का उत्तम मुहूर्त निकला है। ये लीजिए आंटी, सबसे पहले मुंह आज आपको मीठा करना चाहिए। क्या आपकी मेहनत का तो फल है कि आज दोनों परिवार एक होने जा रहे हैं और अब तो हमारा रिश्ता पक्का हो गया है ना, इसलिए मैं आपको अपने हाथों से मिठाई खिलाना चाहती हूँ। अपनापन जता रही हो पर अपनों की सेहत की खबर बिल्कुल नहीं है तुम्हें। मुझे मीठा मना किया है बेटा। कैसी बातें कर रही है आंटी, अपनों का ख्याल तो ज्यादा रखना पड़ता है, इसीलिए तो ये शुगर फ्री मिठाई स्पेशली मैं आपके लिए इंदौर से लेकर आई हूँ। अब तो अपना नहीं कहेंगी ना, प्लीज खा लीजिए। कामिनी, ये सारी मिठाइयां सब में बांट दो। काजल बेटा, अब रिश्ता जुट गया है तो थोड़ा हक हमारा भी बनता है तुम पर। शगुन का सामान लाना है, सोच रही हूँ कुछ रस्में आज ही पूरी कर दूँ। हम बस अभी आते हैं। मुझे वो वीडियो चाहिए काजल, अभी इसी वक्त। इस घर की चार दीवारों में आज पहली बार किसी को हक मिला है कि वो मुझसे अपनी शर्तें बनवाए। इसकी वजह आप खुद। वजह जो भी हो काजल, तुम जो चाहती थी तुम्हें मिला। तुम्हारा निकम्म पति अब इस शादी में भी शामिल होगा। वो वीडियो मेरे हवाले कर दो अभी इसी वक्त। और तू चला तू पूरी बला को डाल तू, और तू चला तू पूरी बला को डाल तू। ये वीडियो मेरे पति की बेगुनाही का एक लौता सबूत है और ये मैं आपको कभी नहीं दूंगी। लगता है मेरे दिए हुए कर्जों के पैसों से तुमने सिर्फ छल कपट की पढ़ाई की है। लगता है मुझे ठीक से समझ नहीं पाई। मैंने कहा था अगर अक्षय शादी में शामिल नहीं हुआ तो ये वीडियो मैं रौनक सर को दिखा दूंगी और मैंने अपना वादा निभाया है। पर ये नहीं कहा था कि ये वीडियो आपके हवाले कर दूंगी। तुम ठीक हो? Oh God. आंखें खोलो मुनमुन। Oh God. तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स। सी बेल्ट सो सफोकेटिंग, प्लीज हेल्प। मैं कितना डर गई थी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। I'm sorry मुनमुन, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे पीछे मत आना, मेरा मूड खराब है। Just relax. ऐसे ड्राइव करने की क्या जरूरत थी, कुछ भी हो सकता था।
किसी और की गलती के लिए खुद को क्यों पनिश कर रहे हो? आई नो कि अक्षय को माफ करना इट्स नॉट इजी फॉर यू। जानकी आंटी की बात लेकर तुम अपसेट हो, पर मुझे नहीं लगता कि जानकी आंटी की इसमें कोई भी गलती है। जरूर उस काजल ने मौके का फायदा उठाया होगा। उसने जरूर जानकी आंटी को ब्लैकमेल किया होगा कि अगर अक्षय शादी में शामिल नहीं होगा तो वो नीति और विनय की शादी नहीं होने देगी, और नीति तो प्रेग्नेंट है, इसीलिए बेचारी जानकी आंटी को उन सबके सामने झुकना पड़ा होगा। I'm so sorry, रौनक, बट ये काजल तो बहुत ही चीप निकली। उसे जो भी चाहिए वो हासिल कर ही लेती है, यहाँ पर तुम इतने ज्यादा तकलीफ में हो और वो तो वहाँ अपने पति के साथ एंजॉय कर रही होगी। देखो रौनक, मैं तुम्हें अपना मानती हूँ इसलिए सलाह दे रही हूँ, खुद को हर्ट मत करो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे सैड होने से काजल तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाएगी। तो ये खेल खेलना चाहती है तू? अगर आपकी भाषा में इसे खेल खेलना कहते हैं तो यही सही। गंजे को अगर कंघी मिल जाए ना, तब भी वो सिर्फ अपना सर खुजा सकता है। रिश्तों के इस खेल में बहुत कच्ची खिलाड़ी हो तुम, ज्यादा देर टिक नहीं पाओगी हमारे सामने। मेरे लिए ये रिश्ता खेल नहीं, रिश्तों का मेल है। हाँ मैं मानती हूँ थोड़ी चालाकी की है मैंने आपके साथ, पर वो भी आप सबके भले के। भलाई? बहुत ही स्वार्थी इंसान हो तुम काजल, सिर्फ अपने बारे में सोचती। अगर रौनक सर और अक्षय के बीच की दूरी को मिटाने की कोशिश को आप मेरा स्वार्थ कहती हैं, तो ठीक है, मैं स्वार्थी ही सही। पर आपको भी वादा करना होगा कि आप इन दोनों को मिलाने की मेरी इस कोशिश के बीच में कभी नहीं आएंगे। शक्ल बकरी जैसी और हरकतें बिल्कुल गिरगिट जैसी, कैसे रंग बदल रही है। इस काजल को देख के तो लगता है कि मेरी मुनमुन के बाद भगवान जी ने इस दुनिया में कोई अच्छी लड़की बनाई नहीं। क्या बात है काजल, तेरे चप्पलों को मेरे घर में उतारने की जगह क्या दे दी? तुमने तो उसे मेरे ही सर पर पीटने के ख्वाब देख लिए। अगर ये घर एक दुनिया है तो इसकी रचयिता हूं मैं। तेरी शादी तक का फैसला मैंने तुझे करने नहीं दिया काजल, तो तू क्या सोचती है? मेरे बेटे की जिंदगी का फैसला बदल पाएगी? मुझे फैसले नहीं बदलने, मुझे फासलों को मिटाना है जो रौनक सर और अक्षय के बीच है। ये आड़े टेढ़े शब्दों को जोड़कर डायलॉग मत बना, ये सब सिर्फ बड़े पर्दों पर अच्छा लगता है, असल जिंदगी में नहीं। ये जो तेरी ईमानदारी का नाटक है ना, इसे बंद कर। मधुमक्खियां अक्सर शहद के छत्ते पर बिनबिनाती हैं, मुरझाए हुए फूलों पर नहीं। जब तुम्हें ये पता चला कि मेरा करोड़पति बेटा तुझसे पागलों की तरह प्यार करता है, तुझे अपने पतिचर पति में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा ना? क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं काजल? Enough, मुनमुन। अक्षय ने भले ही मुझे धोखा दिया, लेकिन इसका बदला मैं काजल से नहीं ले सकता। काजल मेरा पास्ट है, और मैं उन दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा। मेरे और मेरे परिवार के बीच में कोई नहीं आ सकता आंटी, और मेरे पास तो वो खुशी है जिन्हें आप पैसों से भी नहीं खरीद सकती। मैं बस इतना चाहती कि रौनक सर अपनी जिंदगी की सारी कड़वाहट भूलकर, सारी गलत फहमियां मिटाकर एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करें। और मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। स्वाइंदा प्लीज, काजल जैसी शरीफ लड़की को बदनाम करने की कोशिश मत करना, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आपकी ये बातें इसीलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि हमारे बीच एक दायरा है सम्मान का, वरना आप अगर ऐसी ही बातें करती रहे तो मजबूरन मुझे आपकी सारी सच्चाई रौनक सर को बतानी होगी, और शायद आपकी ये सच्चाई रौनक सर बर्दाश्त न कर पाए। अब
तेरा क्या होगा कापी? कहते हैं ना कि क्यों के साथ साथ खून भी पिसता। ये काजल जानकी जैसी शातिर औरत को ऐसा नाच नचा रही है, तुझे तो नागिन नाच नचाएगी। कामिनी जी आप भी मुंह मीठा कीजिए ना। जितना मीठा खाना है अभी खा ले कामिनी, बाद में कोई नहीं पूछने वाला। लीजिए ना। लाइए अब तो हम रिश्तेदार हो ही गए हैं, तो शादी की मिठाइयों पे थोड़ा डिस्काउंट दिलवा दीजिएगा। मुहूर्त का कार्य संपन्न हो गया, अनुमति दीजिए मैं चलो। इशारा बहन जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। शादी की तारीख तो तय हो ही चुकी है, आना जाना तो अब लगा ही रहेगा। जी भाई साहब। बहन जी मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। परसों का पुराना साथ रहा है आपके परिवार से, जो अब एक रिश्ते में जुड़ने जा रहा है, अब सब पहले की तरह अच्छा हो जाएगा। दादाजी चलो घर नहीं जाएंगे, विनु मामा हमारी वेट कर रहे होंगे। चलते। भाई साहब अच्छा वक्त क्या शुरू हो गया, आपने तो समय का मुंह देखना ही छोड़ दी। मेरा मतलब है देर इतनी हो गई है, आप लोग इंदौर तक का सफर तय करेंगे, वो भी साक्षी के साथ। उसे ठंड लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग आज रात यहीं रुक जाइए, कल सवेरे चले जाना। नहीं नहीं जी, ये क्या कह रही हैं आप, अब ये कैसे हो सकता है? क्यों अशोक जी, आपने कौन सी बेटी ब्याही है हमारे घर पे? देखिए ना, इतने साल बाद मौका मिला है आपको इतने बड़े घर में। मेरा मतलब है हम सब एक साथ रहेंगे एक छत के नीचे, यही तो सपना देखा था ना आपने। विधि गेस्ट रूम खुलवाओ, लड़के वाले खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। काजल बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बहन जी कैसी बात कर रही है आप, हमारी आज भी कितनी फिक्र करती है। क्या करूं बहन जी, अब वजह ही ऐसी दी है आप लोगों ने कि फिक्र तो करनी पड़ेगी। अस्तबल में गधे क्यों हाँक लाई? बताओ ना जानकी, अपने महल जैसे घर में इन भिखारियों को रहने की जगह दे दी। जितना तेज मुंह चलता है तुम्हारा, अगर उतना ही तेज दिमाग चल रहा होता तो। जितना तेज दिमाग चलता होता तो मैं तेरी जगह पे होती और तू मेरी चमची। मतलब है मेरी दोस्त होती। उस काजल की अखड़ इसलिए है क्योंकि वो वीडियो उसके पास है। अगर उसके पास वो वीडियो ही ना रहा तो। मतलब अब समझी, तूने उन पटेचरों को घर में इसलिए रखा है ताकि काजल के सोने के बाद तू उसके मोबाइल से वो हमारा वीडियो डिलीट कर सके। ऐसा प्लान तेरे ही दिमाग में आ सकता है। ले मिठाई, वो मीठा कर ले। मेरी जिंदगी में जो कड़वाहट उस काजल ने खोल दी है, उसे हटाए बिना मैं कोई मिठाई नहीं खाऊंगी कामिनी। अब छोड़ना इस बात को, मुझे ये बता कि वो फोन हम निकालेंगे कैसे? चोरी? हाँ
जो तू करेगी। जानकी, ये मुझसे नहीं होगा। अब देखना, घबराहट के मारे मेरे हाथ पर फूल रहे। इसे घबराहट नहीं, मोटापा कहते हैं। तू मेरी जिगरी दोस्त है ना, क्या तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? तू भूल गई कामिनी, जब तेरे पति को बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत थी तो रातों रात मैंने 50 लाख रुपए दिए थे, वो भी बिना ब्याज के। अगर तू वो फोन मेरे लिए लेकर आई तो मैं वो सारा कर्जा माफ कर दूंगी। तू पूरे 50 लाख माफ कर देगी? अब बात कीमत की नहीं, उस काजल की नीयत की है। अपने बेटे का भविष्य बचाने के लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकती। तू बस मुझे वो वीडियो ला कर देखा। पुराने दिन याद कर रहे हो ना? तुमने और औरत सर ने मिलकर इस घर में खूब सारी मस्ती की होगी, है ना? तुम्हें पता है, जब हम दोनों को किसी क्लासमेट को बर्थडे विश करना होता था ना, तो रात को पहले मैं अपने कमरे की लाइट 2 बार ऑन ऑफ करता था और फिर रौनक भी वैसे ही करता था। ये हम दोनों का सिग्नल होता था एक दूसरे को बताने के लिए कि हम दोनों जाग रहे हैं। फिर क्या, हम दोनों चोरी से छुपके से घर से बाहर निकल जाते थे और सुबह होने से पहले दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस आ जाते थे। पता है अक्षय, मुझे ऐसे लगता है कि तुम दोनों की ये पुरानी वाली दोस्ती इस शादी में फिर से हो जाएगी। काजल, किसी और पे तो नहीं, लेकिन तुम्हारे ऊपर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा। मैं रौनक से बात करने की कोशिश करूंगा। मैंने देखा है कि वो साक्षी से काफी घुल मिल गया है। शायद इसी बहाने दो बातें मुझसे भी कर ले। तुम्हारी इतनी कोशिश ही मेरे लिए काफी होगी अक्षय, बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो। लेकिन काजल, तुम रौनक को बिना वीडियो दिखाए उसे कैसे कन्विंस करोगी? अक्षय, मेरा मकसद माँ बेटी को अलग करना नहीं, दो दोस्तों को करीब लाना है। मैं जानकी आंटी को ये बात साबित करके रहूंगी कि प्यार किसी इंसान को आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है, और उनके प्यार ने रौनक सर की सारी खुशियां छीन ली, और किसी भी तरीके से मुझे उन्हें इस बात का एहसास दिलाना होगा, और मैं दिलाऊंगी। तुम्हें पता है काजल, इन 5 सालों में मैंने शायद कभी तुम्हें नहीं बोला होगा, लेकिन तुम्हारा हाथ थामना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। अच्छा, तो जल्दी से ये चाय भी अपने हाथ में थाम लो, क्योंकि अगर तुमने इसे अपने हाथ में नहीं लिया ना, तो ये तुम्हारा सबसे गलत फैसला होगा और ये चाय तुमसे बहुत कोल्डली बिहेव करेगी। अच्छा जी, ठीक है, आप कह रही हैं तो पी लेते हैं। तुमने मेरा साथ देके मेरी जिंदगी की सारी तकलीफें आधी कर दी, वरना मैं अपने दोस्त को बहुत मिस करता। आई एम श्योर रौनक सर भी ऐसा ही फील करते होंगे। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ की ये खुशी भी जरूर मिले।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।